जय हिंद। नमस्कार साथियों, TGDPET नई भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। जी हाँ साथियों, KVS TGDPET की 10,000 प्लस परमानेंट पोस्ट पर भर्ती होनी है लगभग सारे विषयों की। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी डिटेल जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शिक्षक भर्तियों से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। और अभी हाल ही में यहाँ पर लोकसभा में जो प्रश्नकाल हुआ था तो जो है उसी दौरान यहाँ पर जो कंप्लीट डिटेल है वो प्रस्तुत की गई थी 13 दिसंबर 2021 को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैकेंसियों की डिटेल जान लेते हैं कि स्टेट वाइज यहाँ पर जो है किस स्टेट में कितनी भर्तियाँ हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 नवंबर 2021 का ये अधियाचन है जो कि अभी हाल ही में 13 दिसंबर 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, और जिसमें यहां पर केवीएस की कंप्लीट जानकारी दी गई है वैकेंसीज की, और जिसमें प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की भी वैकेंसीज इंक्लूड हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिटी वाइज यहां पर जो डिटेल है वैकेंसियों की ये दी गई है। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें आगरा की, तो देख सकते हैं कि 84 पोस्ट पर यहां पर भर्तियां होनी, साथ ही अहमदाबाद 259, बेंगलोर 927, भोपाल 489, भुवनेश्वर 781, और इसके अलावा देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा यहां पर चेन्नई में है 1227, इसके अलावा चंडीगढ़ 198, दिल्ली 47, देहरादून 73, एर्नाकुलम 648, गुवाहाटी 156, इसके अलावा देख सकते हैं कि हैदराबाद 1182, और इस प्रकार से यहां पर हर एक सिटी में आप सभी को लगभग लगभग वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। लखनऊ में भी देख सकते हैं कि 124, साथ ही यहां पर जो है वाराणसी में भी देख सकते हैं कि 122 पदों पर यहां पर भर्तियां आनी है। और अगर हम इस प्रकार से सारी वैकेंसीज को इंक्लूड कर दें तो यहां पर 10,000 प्लस जो है पदों पर केवीएस में जल्दी भर्ती आप सभी को देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात कि हर एक स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही सिटी वाइज ये वैकेंसी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें कि जो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है ये कब तक जारी कर दिया जाएगा, तो जब ये डिटेल लोकसभा में पेश किया गया था तो वहां से जो है ये जानकारी दी गई थी कि अगले मंथ यानी कि जो है जनवरी में जो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अगर जो है इससे संबंधित आप सभी का कोई भी प्रश्न है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। और जो इसका कंप्लीट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर भी जल्द एक वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे आप सभी को कोई भी यहां पर समस्या का सामना न करना पड़े। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।